धमतरी जिले से 35 किलोमीटर दूर ग्राम सेमरा में एक अनोखी और गजब की परंपरा देखी जाती है। यहाँ पर हर त्यौहार एक सप्ताह पूर्व ही मनाए जाने की परंपरा है। वहीं रंगों का पर्व होली सभी जगह 25 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन इस गांव में आज होली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गांव के सभी लोग होली पर्व मनाते हुए डीजे की धुन में थिरकते हुए नजर आए। इस गांव में सिरदार देव है, जिन्होंने गांव को एक बड़ी परेशानी से मुक्त किया था। इसके बाद गांव में एक पुजारी के सपने में सिरदार देव आए थे और उन्होंने कहा था कि गांव में कभी भी कोई परेशानियां आपदा नहीं आएगी, लेकिन इससे पहले मेरी पूजा करनी होगी। इसके बाद से सेमरा गांव में हर त्यौहार एक सप्ताह पूर्व ही मान लिया जाता है और अगर इस परंपरा को कोई तोड़ता है तो गाँव में कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है। वहीं गाँव में बने सिरदार देव के मंदिर में हर त्यौहार में पूजा अर्चना कर त्यौहार की शुरुआत की जाती है, जहां पुरुष वर्ग ही मंदिर में प्रवेश कर पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश और प्रसाद ग्रहण करना वर्जित है। पुरानी ही है, हमारे पिताजी लोग सब मनाते हैं, यहाँ पिताजी बैठे हुए हैं और हमारे दादाजी लोग सब चले गए और वो लोग भी नहीं बता सकते कि कब से मना रहे हैं, तो हम लोग उसके परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं और अच्छा भी लगता है यार एक सप्ताह पहले मनाना। हम लोगों को ना दूसरे गाँव के लोग पूछते हैं हमको और हम बोलते हैं ना हमारे गांव आ जाइए, तो वो लोग हमको देखने के लिए आते हैं, बिना बुलाए भी देखने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग आस पास 50 किलोमीटर के एरिया से हैं, बिल्कुल पूछते पूछते आते हैं हमारे गाँव में कैसा है इसका गाँव का, ऐसे करते हैं तो बुजुर्गों कैसे हम लोग चले आ रहे हैं परम्परा से। हमारे दादा भी इसका कहानी को नहीं बता सकता है, अपना पापा भी नहीं बता सकता, लेकिन हमारे दादा और दादा से पिताजी थे, हम लोग नियम से मानते आ रहे हैं। इसका एक विशेष कारण यह है कि हम लोग ना एक साथ कारण त्यौहार नहीं मनाते क्योंकि गांव में संकट आने का कष्ट है और कोई अच्छे शिक्षित आदमी लोग बना है बुजुर्ग लोग बोले होंगे कि एक साथ मना के देखते, कई प्रकार की घटना हुआ तो नहीं मनाते हैं हम लोग, ना परंपरा के अनुसार ही मनाते हैं। है वो पहले एक हफ्ता पहले ही मनाया जाता है, यहाँ का ऐसे नियम है। बड़े बुजुर्ग ये बोलते हैं हमारे यहाँ एक देवता है सिरदार देव, तो उसी के हिसाब से परंपरा चलती आ रही है। कहते हैं कि अगर एक हफ्ता पहले नहीं मनाओ तो शायद कोई अनहोनी ऐसा कुछ होता है करके, लेकिन हम जब से आए तब से यही देख रहे हैं। अच्छा लगता है यहाँ पर एक हफ्ता पहले त्यौहार मनाना क्योंकि मेहमान भी बहुत आते हैं, अच्छे से सेलिब्रेशन होता है, एंजॉय भी बहुत करते हैं यहाँ पे।